माय गॉड, लगता है इंडिया के सारे बाज यहीं पे रहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, की हाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चंद्रा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे चैनल बाइक बाज पे। तो दोस्तों, जो रोड्स पे और सबके दिलों पे करते हैं राज, उन्हें कहते हैं बाइक बाज। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद, लगभग एक महीने के बाद वो दिन आ ही गया है कि मैं दिल्ली से देहरादून के लिए निकलने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारी राइड शुरू हुई थी 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मैंने लगभग 940 किलोमीटर राइड करके दिल्ली पहुँचा था। उसके बाद कुछ वजह से मुझे घर जाना पड़ गया था। अब मैं आ चुका हूँ दिल्ली वापस और यहाँ से राइड शुरू करने वाला हूँ देहरादून तक की। तो इस बार रूट होने वाला है मेरठ रुड़की देहरादून। इसके पहले भी मैं कई बार बाई फोर व्हीलर देहरादून जा चुका हूँ, लेकिन हमने रूट लिया था पानीपत करनाल होते हुए यमुनानगर होते हुए हम जाते थे पोंटा साहिब, उसके बाद देहरादून, क्योंकि वो रूट हमें नोन था और रास्ता सही था। तो इस नए रूट पे लगभग 260-270 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे तय करना है और गूगल बाबा दिखा रहे हैं लगभग 5.5 से 6 घंटे का डिस्टेंस। तो ये राइड इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई नई वीडियो आपके लिए डालूंगा तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। तो बिना देर किए हुए अब निकलते हैं देहरादून के लिए, राइड करते हुए आपसे बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं देहरादून। तो चलिए निकलते हैं अब। जय बजरंगबली, रक्षा करना। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिल गया मुझको ये जाम। तो ऐसे जाम लगा रहेगा तो कैसे काम होगा भाई। चलो, पता है दिल्ली की सबसे बुरी बात क्या है? यहाँ की ट्रैफिक, जगह जगह ट्रैफिक लग जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है यहाँ की मेट्रो। गाड़ी वाड़ी तो भूल जाओ यार, मेट्रो से चलो, मेट्रो से। सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती है डिस्को, कॉम्प्लीमेंट्री। सरोजनी नगर इधर है, जिन्हें जाना है जा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में सफदरजंग एयरपोर्ट है, कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं किया जाता ये। ये आर्मी के लिए यूज किया जाता है, आर्मी के हेलीकॉप्टर और ये सब यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। यार मुझे हैंडल माउंट की कहीं बहुत खल रही है, हाथ में पकड़ के देखना पड़ रहा है मुझे। रिसेंटर कर लो भाई, कहाँ ले जाएगा कहाँ। ओ तेरी के, पहाड़ पे चढ़ गया मैं तो। ये साइड में देख सकते हैं आप जेलन स्टेडियम, ये दिख रहा है सामने। क्या सही फ्लाईओवर निकाला, मस्त। सारा शहर क्रॉस करते हुए सीधे बाहर निकल जाएंगे, जबरदस्त। अब लग रहा है कि देहरादून की राइड शुरू हो चुकी है और बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। अच्छा, धाम मंदिर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और ये रास्ता सीधे मेरठ की तरफ निकलेगा। क्या रास्ता है, मजा आ रहा है, वाओ। क्यों मजा आ रहा है कि नहीं? ऊपर देखो, मेट्रो भी जा रही है। माय गॉड, आप देख सकते हो कितने सारे चील बाज यहाँ पे मंडरा रहे हैं।
माय गॉड, लगता है इंडिया के सारे बाज यहीं पे रहते हैं, शायद उसकी वजह से जो कूड़े का पहाड़ खड़ा होता है। मेरठ पहुंचने वाला हूं, यहां से लगभग 10-12 किलोमीटर होगा मेरठ। बहुत ज़ोर की प्यास भी लगी थी और गोप्रो भी डिस्चार्ज हो गया था, तो सो मैंने गोप्रो को चार्ज में लगा दिया और पानी। फिर क्लच वायर टूटने ही वाला था, इसलिए मैंने चेक कर लिया था कि सही है या नहीं सही है। फिर देखने को मिला कि टूटने ही वाला थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने प्रिकॉशन लेते हुए इसे चेंज कराना सही समझा। तो मैंने क्लच वायर चेंज करवा लिया है, अभी आगे कौन रिस्क ले भाई, कहीं टूट गया रात में तो लेके खींचते रहो इसे। और मेरठ भी अभी क्रॉस नहीं हुआ है, हरिद्वार यहाँ से लगभग 156 किलोमीटर है। टाइम लगेगा आपके भाई को। अच्छा, NH जो भी होते हैं इंडिया में, जितने भी NH हैं उनमें कोई टोल नहीं लगता। और हमारे एक्सप्रेसवे हैं तो लूट लूट के। अच्छा आप बताओ, क्या ये रोड एक्सप्रेसवे से ख़राब दिख रहा है? एक नंबर का रोड है, पूरा दिख रहा है सामने तक। ये है कि थोड़ा ट्रैफिक इस पर ज़्यादा है, क्योंकि ये NH है, बाइकर्स फ्री है इस पर, तो बाइकरों कुछ तो रहम करो सरकार। एनएच का टोल जीरो, एक्सप्रेसवे का टोल 1 रुपया पर किलोमीटर। गन्ने की तो लाइन लगी हुई है और गुड़ की खुशबू भी आ रही है, मतलब यहाँ गन्ना, मतलब यहाँ गुड़ बनता है। ये देखो, ये सारे जितने गन्ने हैं लदे हुए, ये भी यहाँ पे देखो गन्ने लदे हुए हैं, वो भी बैलगाड़ी पे। देखते हैं कितना।
6:15 हो चुके हैं और देख सकते हैं सूरज भी डूबने वाला है और ये शानदार नज़ारा भी देख सकते हैं आप। दूर दूर तक पॉपुलर के पेड़ हैं सारे, पतझड़ का मौसम जो चल रहा है तो सारे पत्ते झड़ चुके हैं, नए पत्ते आएंगे, जब नए पत्ते आएंगे तो दोबारा से फिर शानदार नज़ारा होगा। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, 6:15 हो चुके हैं। ओके लेट्स गो। तो सनसेट हो चुका है और अब जब थोड़ा अंधेरा होने लगेगा तब कहीं ब्रेक, तो रुक के कहीं चाय पी लेते हैं और इसी के साथ कहीं रेस्ट भी ले लेंगे साथ में। और 300 बड़ा हेलो गाइस, अपडेट ये है कि मैं हूँ रूड़की के सीसीडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है हरिद्वार और उससे लगभग 55-60 किलोमीटर दूर है देहरादून। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है फिल्टर कॉफ़ी, उसका इंतजार करते हैं। तब तक आप मज़ा लीजिए टाइम लैप्स का। जैकेट पे भी गाइस, कॉफ़ी भी कंप्लीट और मैं निकलता हूँ देहरादून के लिए। समय हो गया लगभग 7:30 बज गए हैं, 2 घंटे और लगने हैं मेरे हिसाब से, देखते हैं कितना लगता है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तो देवभूमि में आपका स्वागत है और हम हैं हरिद्वार में और ये देखिए ये है पौड़ी। यानी खूबसूरत नज़ारा, ये चारों तरफ घाट हैं और ये गंगा नदी को डाइवर्ट किया गया है। तो ये एलिफेंट और लेपर्ड से प्रभावित एरिया है, यहाँ रुकना मना है। ये स्टॉपेज है, आप मेरे राइट साइड में जाएंगे तो सीधे ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट लेने पे देहरादून। ओहो हो हो, कितना डस्ट गिर रहा है इसमें से। अब आज जाने दे यार। वेलकम टू सिटी ऑफ लव। जी हाँ दोस्तों, सोने वाले जग जाओ, जगने वाले और जग जाओ, क्योंकि हम आ चुके हैं देहरादून में और हमने ले लिया लेफ्ट टर्न और ये सीधे मुझे लेके जाएगा मेरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है और ठंड लग भी रही है। हाँ, और दिल्ली के कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। दिल्ली में तो गर्मी लग रही थी इस जैकेट में, लेकिन यहाँ इस जैकेट में ठंड लग रही है। हेलो बाइक बाजो, कैसे हो आप? और मैं पहुंच चुका हूं देहरादून। तो राइड बहुत ही स्मूथ रही, सब कुछ बढ़िया से गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप राइड पे हो, चाहे वो 500 किलोमीटर की राइड हो, चाहे 1000 किलोमीटर की राइड हो या 100 किलोमीटर की राइड हो, आप अपना पूरा समय लेके चलो,
आप कोई एम सेट मत करो कि मुझे 2 घंटे में पहुंचने हैं, 5 घंटे में पहुंचने हैं, 10 घंटे में पहुंचने हैं। जितना समय लगे उतना समय लेके चलो और एकदम पेशेंस के साथ आराम से राइड करो। कभी कभी होता है कि जब राइड ख़त्म होने वाली होती है, जब आप पहुंचने वाले होते हैं, 50-60 किलोमीटर बचे होते हैं, तो उस टाइम आदमी अंदर से इच्छा होती है कितना तेज़ भगाऊँ, जल्दी से पहुँच जाऊँ। लेकिन आप ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप उस लास्ट मिनट में, उस लास्ट 50-60 किलोमीटर में कुछ ऐसी गलती हो जाती है, आप पैनिक करते हो और कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो आपके पीछे की पूरी राइड बेकार हो जाएगी। तो आप उन लास्ट समय में और उन लास्ट किलोमीटर में और पेशेंस से और आराम से चलाइए। अगर आपको घबराहट हो रही है या पैनिक हो रहे हैं, तो कहीं रेस्ट लीजिए, चाय पीजिए, आराम करिए, फिर फ्रेश होकर फिर से राइड शुरू करिए वहाँ से। आई होप कि आपको ये राइड पसंद आई हो, और आपको अगर ये राइड पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको राइड ये कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए, फिर उसके बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि जब मैं नई नई वीडियो डालूंगा तो आप सबसे पहले देख सकते हैं और उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।